रूस का तालिबान को शिद्दत पसंदों की फहरिस्त से निकालने का इंदिया। सदर प्यूटन का कहना है कि तालिबान को फहरिस्त से निकालने पर गौर कर रहे हैं। तालिबान ने इख्तदार पर कब्जा करने से कबल रूस से कई बार मुजाकरात किए। मुल्क चलाने के लिए अफगानिस्तान के मुंजमिद असासों को बहाल होना चाहिए। कोशिश है अफगानिस्तान में शिद्दत पसंदी गलबा न पाए। सेहत, तालीम, आटा, चीनी, दाल और घी पर बड़ा रिलीफ ला रहे हैं। वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब का हर खानदान सेहत कार्ड से सालाना 10 लाख रुपए तक इलाज करा सकेगा। बुनियादी सियासी इस्लाहात के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। मीडिया और अदालती इस्लाहात लाजमी है। अपोजिशन महंगाई की आड़ में मनफी सियासत कर रही है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन को आवाम की नहीं बल्कि इक्तदार की तड़प है। अपोजिशन का एहतजाज खुद नुमाई के सिवा कुछ नहीं। हुकूमत को आम आदमी के मसाइल का पूरा इदराक है। महंगाई पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। अशिया जरूरिया की कीमतों में वक्त के साथ इस्तेहकाम आ रहा है। पाकपतन में मुलजमान के हाथों अगवा होने वाली 13 साल लड़की को पुलिस 25 रोज बाद भी बाजियाब न करवा सकी। मुखिया की बूढ़ी मां बहनाई से मरहूम बच्चों के साथ बेटी की बाजियाबी के लिए पुलिस दफातर की ठोकरें खाने पर मजबूर। देखिए एहतसाम उमर मुगल की रिपोर्ट। पाकपतन में बहनाई से महरूम खानदान इंसाफ का मुंतजर। गांव जगह बलोच से बहनोई के हाथों अगवा होने वाली 13 साल लड़की 25 रोज बाद भी बाजियाब न हो सकी। लवाहिकीन का इल्जाम है की सदर पुलिस भारी रकम का तक कर रही है। असि तो गरीब आदमी है, साढ़े को जड़ा है ना, कोई घर गुंजाइश नहीं भी। जड़ी कोई अगे हाए चार आने वो उन्होंने दे चुके हैं तो हम पूरा रेट नहीं पी कर दी। मेरी बच्ची जिथे भी है मेरी बच्ची चाहती है। सारी फैमिली मुहताज है कि मैं एक घर कमावन वाला प्लस तो पैसों के बगैर एक कदम नहीं पी टुटी। रेट तो जान लगे उन्होंने पहले 3000 का तेल पवा लिया। अगे जाके उन्हें होटल से बह गए, उतो ने रोटियां खा लिया 1500 रुपए दी। तो बंदे फड़ के निकले उन्होंने इतने आए उन्हें तो जी 2000 रुपया फी मुलाजम नहीं दिता जाए। मुंशी ने पैसे मांग लो उन्हें तो सानू पैसे दो। फिर उन्होंने 1000 रुपया दे के तो मैं से उन्हें कोई चोट छुड़वा के घर आया। आंखों की बहनाई से महरूम बच्चों के साथ बेटी की तलाश के लिए दफातर के चक्कर काटती बूढ़ी खातून पुलिस हुकाम की कारकर्दगी पर सवारियां निशान है।